हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिल्क पाउडर से बनने वाली मिठाई की रेसिपी। इसमें ना ही हम कोई मावा का यूज़ करेंगे और ना ही दूध का यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें मिल्क पाउडर का ही यूज़ करेंगे। तो ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। तो ये रेसिपी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये कढ़ाई में चीनी डाल देंगे 1 कप। हम चीनी थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी चीनी रहता है। अब हम इसमें 1 ग्लास लगभग पानी डाल देंगे और अब इसे मिक्स करके इसका चाशनी बना लेंगे। इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये चाशनी बनता है, तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक थाली लिया है और अब हम इसके ऊपर ये पेपर रख देंगे और अब ये ऑयल इस पे डालकर इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, ताकि जब हम मिक्सर इस पे डालें तो ये इस पे चिपके नहीं। तो अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये पहले से काफ़ी सूख गई है। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें एक तार बनने लगी है, आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टिकी हो गई है। तो ये हमारा चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मैंने इसमें टोटल 2 कप मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क पाउडर डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हम एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर इसमें लम्स भी पड़ सकती है। अब हम इसे थोड़ा थिक होने तक इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो गई है। तो अब हम इसमें 3 टेबल स्पून नारियल का बुरादा डालेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे अभी थोड़ा चलाते रहेंगे और फिर हम तुरंत इसे थाली में डाल देंगे, क्योंकि ये तुरंत सेट हो जाने लग जाती है। तो इसे हमने ये डाल दिया। अब हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जैसे पिस्ता, काजू, बादाम, कुछ भी आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। इस तरह से फैलाकर डाल देंगे और अब इसे दबा देंगे इस तरह से, ताकि ये इस पे चिपक जाए। तो अब हम इसे सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद ये थोड़ी सेट हो गई है। अब हम गोल गोल पीसेस इस पे करने के लिए कोई इस तरह का राउंड शेप का कुछ चीज लेंगे, जैसे ये मैंने किसी का ढक्कन लिया है। आप इसके जगह पे कुछ और भी यूज कर सकते हैं, या आप चाकू की हेल्प से बर्फी का शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे गोल गोल पीसेस में कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा और ठंडा होने देते हैं। आधे घंटे के बाद हम इसमें से निकालेंगे। तो ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए, बहुत ही ये इजली अच्छे से निकल जाती है।
और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बन गई है और सेट भी अच्छे से हो गई है। तो ये हमारा मिल्क पाउडर की मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।